मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी हैव मैथ्स क्लास, सो टुडे वी विल सी एक्सरसाइज फाइव, चैप्टर फाइव। सो ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 78 टू योर बुक, पेज नंबर 78, चैप्टर 5, एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन फर्स्ट वी विल डू इन बुक ओनली, सो ऑल ऑफ यू लुक इन योर बुक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूजिंग द गिवन नंबर लाइन काउंट ऑन एंड ऐड द नंबर्स। आपको काउंट करना है और ऐड करने नंबर्स को। ओके, एट, एट से आपने जंप किया, फोर स्टेप हमको आगे जाना है, इट मीन्स फोर नंबर आगे जाना है, एट है ना। एट से हमने जंप किया, वन फोर जंप, फोर इज है ना, तो फोर जंप, वन टू थ्री, क्या आएगा 12। तो यहाँ आपको नंबर लिखना है, एट, एट के बाद नाइन, टेन, इलेवन और 12। व्हाट आंसर वी हैव गॉट, इफ एट से हम फोर स्टेप आगे जाएंगे तो व्हाट वी आंसर वी हैव, वी विल गेट 12। ओके, और वैसे भी आप एट प्लस फोर करोगे, एट एंड एट लाइन। ओके, then you will count together, then you will get 12. Got it all of you? Okay. Yes, question number B similar, four step आगे जाना, 13, after 13 four step you have to go ahead. Okay, 13, 14, 15, 16 और 17, four step वी हैव टू गो ना, तो वॉट आंसर वी हैव गॉट, 17। गॉट इट ऑल ऑफ यू, वॉट आंसर वी हैव गॉट, 17। और इन दिस वे ऑल्सो वी कैन ऐड 3 + 4, 3 फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है वंस और डेट इज टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वंस, वंस वी हैव टू काउंट। ओके, 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, नाउ काउंट इट टुगेदर, 1 2 3 4 5 6 and 7, 7 एंड नथिंग इज देयर, देन 1 का 1। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके, इन दिस वे यू हैव टू डू प्रैक्टिस इन बुक ओनली। ओके, बुक। ओके, क्वेश्चन नंबर टू ऑल्सो वी विल डू इन बुक, count the cubes and find the sum. You have to count how many cubes are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, how many cubes are there, 10. Okay, काउंट करने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। ओके, एंड देयर 1 2, ये 14 थे, 14 15 16, तो टोटल कितना आएगा, 16। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, there all are 12, and there 1 2 3 4 5, अब total you have to count, 12 + 5 5 len 12 13 14 15 16 17, then what answer you have got, 17. Okay, okay, now question number 3, look here, add the following using the number line।
आपको ऐड करने हैं और नंबर लाइन का यूज़ करना है. नाइन और सिक्स स्टेप अहेड जाना है. नाइन इज देयर, हाउ मेनी स्टेप वी हैव टू गो? सिक्स. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. तो व्हाट आंसर यू हैव गॉट? 15. व्हाट आंसर यू हैव गॉट? 15. देन यू हैव टू राइट द 15. Got it all of you? Yes, next 8 + 8 है और आपको 8 स्टेप अहेड जाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो what answer you have got? 16. Okay? Right? 16. Again rough it. Yes, next 14 + 2. 14 is there. Or 2 step ahead. 1 2. Then what answer you have got? 16. So write it 16 there. Okay. ओके नेक्स्ट डी 1 + 15. या तो 1 पे मेक साइन या 15. तो फॉर इजी फॉर 15 पे आप मेक सर्कल बनाओ और 1 स्टेप गो इट. ओके स्मॉल नंबर आपको आगे जाना देन 1. तो व्हाट आंसर यू हैव गॉट? 16. गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके अब नाउ लुक एड. पेज नंबर 80. ओके ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 80. ओके 2 + 4 4 2 3 4. 1 2. काउंट इट ऑल. 1 2 3 4. 6 और 1 का 1. ओके 0 + 0 0 और 2 का 2. 8 + 1 9. 1 का 1. गॉट इट ऑल ऑफ यू? 6 + 3 6. 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3. काउंट 6 + 3 इट मीन्स 9 एंड 1 का 1. इन दिस वे यू हैव टू डू प्रैक्टिस. ओके नाउ लुक एक्सरसाइज 7. ओके लिसन ऑल ऑफ यू. एक्सरसाइज 6 कट इट. ये आपको नहीं करनी. ओके ओके सो ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 82. एक्सरसाइज 7 पेज नंबर 82. एक्सरसाइज 7. ओके यस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फर्स्ट है सब्ट्रैक्ट बाय क्रॉसिंग आउट द बॉक्स या लाइन. कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके बॉक्स बनाओ या लाइन ड्रॉ करो. 15. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना. अब 7 कट करने आपको. 1 2 3 4 5 6 7. तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर लेफ्ट? 1 3 4 5 6 7 8. लेफ्ट का मतलब कौन कितने बच्चे हैं ना. क्या आएगा? 8. गॉट इट ऑल ऑफ यू? 19 और 9 19 बॉक्सेस यू हैव टू ड्रॉ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 9 boxes you have to cut. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. How many boxes are remaining? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So how many boxes are there? 10. Got it all of you? 17 minus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. And cut 8 box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many boxes are left? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okay. Ab now, look question number 2, subtract. 5 minus 3. 5 line draw karo. 5 and cut karni 3 line. 1, 2, 3. How many lines are remain? 1, 2. Got it all of you? 2 or 1 ka 1. Theek hai? 9 minus 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 line cut karni hai. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ye cut. How many line are remain? Only 1. Or 1 ka 1. Got it all of you? 6 minus 5. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And 5 line cut. 1, 2, 3, 4, 5. How many lines are remain? 1. Write it. 1 and 1 ka 1. Got it all of you? Achai, now listen all of you. Write digit in the same order. Same order के अंदर आपको digit लिखने हैं, okay? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और 6 line cut करनी. 2, 3, 4, 5, 6. How many lines are remain? 2. 2, 1 का 1. Got it all of you? Okay. Now look, exercise 8, page number 83 is the similar of exercise 5. There is add and here is subtract. Okay, add में हमको आगे step को आगे जाना होता है और subtract के अंदर backward, पीछे की तरफ step लेने होते हैं. Got it? So all of you open page number 63. Yes, look. Count backward on the number 9. Backward का मतलब होता है आपको subtract करना. क्या करना है? Subtract. Okay? चलो. 11 में से 4. 11 कहाँ है? Where is 11? 11. आपको 4 step. Minus is given ना? तो आपको पीछे की तरफ जाना, बैकवर्ड यानी पीछे जाना. कितने स्टेप? 4 स्टेप. 1, 2, 3, 4. तो व्हाट आंसर यू हैव गॉट? 7. गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ लुक 18. वेयर इज 18? Yes, 18. How many steps we have to go backward? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So what answer we have got? 9. 9. Got it all of you? Okay. Now look question number 2, subtract by crossing backwards. कुछ नहीं करना आपको, इसमें 17 line draw करनी है. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. अब बैकवर्ड इट मीन्स कट करनी, हाउ मेनी लाइन्स, 4. पीछे बैकवर्ड चलो, 1, 2, 3, 4, ये आपको कट करना है. अब हाउ मेनी लाइन्स आर रिमेन, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो वॉट आंसर यू हैव गॉट, 13. गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके. अब 19 लाइन यू हैव टू ड्रॉ एंड 5 लाइन कट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ओके, नाउ कट, गो बैकवर्ड 5. 1, 2, 3, 4, 5, कट 5 लाइन. एंड हाउ मेनी लाइन्स आर रिमेन, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. तो राइट इट 14. गॉट इट ऑल ऑफ यू? इन दिस वे यू हैव टू डू प्रैक्टिस एंड afterward I will send homework for you. Okay. Okay, now listen all of you. Exercise 8 already we have done. 9 we won't do. And 10 also we won't. 10, 11. All we will cut. So this chapter finished today. So in next class, today we will see the next chapter 6. Thank you and have a nice day.